हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, शेयर में आज बहुत बड़ी रैली आई थी मॉर्निंग में, जब शेयर 105 रुपए के ऊपर चला गया था। आपको बता दें कि प्रीवियस क्लोज 96 रुपीज का था और ओपन 98 पर हुआ था, अच्छे प्राइस पर ओपन हुआ। 105 रुपए तक भी शेयर चला गया था मॉर्निंग में, जैसे ही मार्केट खुला शेयर 105 रुपए तक दौड़ने लग गया, लेकिन उसके बाद 97 रुपीज तक का लो भी था और अभी ये शेयर 98 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा क्या हो गया था कि शेयर 105 रुपए तक चला गया, और चल क्या रहा है भैया, क्या चल रहा है यहाँ पर आखिर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 98 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, पिछले एक महीने में 68-65% तक की गिरावट है। 90 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था और आप देखिए 290 से गिरता हुआ नीचे आया है। 90 रुपीज का यहाँ पर बॉटम बना था इसका। उसके बाद आप देखिए बहुत कछुए की रफ्तार से, एकदम धीमी लेकिन कछुए की रफ्तार तेजी से शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रोज दो दो एक एक डेढ़ डेढ़ रुपए का ग्रोथ ले रहा है, ये बहुत कम लेकिन धीरे बढ़ रहा है। जो तो हम बात करेंगे अब भैया, गिरावट जो है वो खत्म हो गई है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 88% की गिरावट है। 900 रुपये से शेयर गिरता हुआ नीचे आया। देखिए ग्राफ आप देखेंगे, नीचे गिरता हुआ ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 172 रुपीज तक गया शेयर, फिर बाउंस बैक कर लिया, तकरीबन 340 तक पहुंचा और अभी इतनी बड़ी गिरावट है। हालांकि कोरोना के चलते बहुत बड़ी गिरावट जरूर आई है, 172 से शेयर ने बढ़िया बाउंस पे किया था, लेकिन कोरोना के चलते गिरावट बहुत बड़ी आ गई है। इससे पहले शेयर बहुत ही ज्यादा टूट रहा था, रीजन ये था कि भैया इनके ऊपर एक से एक एलिगेशन लग रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इनके खिलाफ PIL फाइल हो रही थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई भी हुई थी और सुनवाई में ऐसा कुछ खास निकला भी नहीं था। तो देखिए जब जब इनके ऊपर FIR फाइल हुई, PIL फाइल हुई, तो गिरावट आ गई शेयर में। वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक कर लिया शेयर ने जब कुछ दिन बीता, लेकिन फिर से एक और केस आ गया, फिर गिरावट आ गई। तो देखिए वो चलता रहा था पिछले एक साल में। यहाँ पर पिछले 3 साल की भी हम बात करें तो पिछले 3 साल में 90% गिरा है ये शेयर, 1420 रुपए तक का हाई था। और आप देखिए गिरावट के बाद बढ़िया तेजी से ये बाउंस बैक कर लेता था, लेकिन बाद में गिरावट इतनी बढ़िया आ गई कि अब भैया ये हाल है कि 90 रुपए तक का लो बना चुका है, 100 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक बन चुका है ये, 4300 रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो अभी वक्त हुआ है 12 बजे है दोपहर के, और तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। यहाँ पर हम बात करें तो भैया इनके जो नतीजे हैं, नेट प्रॉफिट्स जो है वो कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, दिसंबर में आप देखिए 985 करोड़ थे पिछले साल दिसंबर 2018 में, बाद में 710 करोड़ रहे, एक बड़ी गिरावट, और उसके बाद 550 करोड़, एक बहुत बड़ी गिरावट। तो काफी ज्यादा गिरावट है यहाँ पर। प्रॉफिट मार्जिन हालांकि 79-80 के आसपास है, वो काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पर नेट सेल्स आप देखेंगे तो नेट सेल्स भी गिर रहे हैं, 4500 करोड़ से के जो नेट सेल्स थे वो 3400 करोड़ में सिमट के रह गए हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 21.72% की होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। FIS के पास 47.16% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.35% की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, लेकिन FIS ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर गिराई है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 14 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 322 FIS ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो SG एडवाइजरी सर्विस है, जिनके पास 6.36% की होल्डिंग है, और हाईएस्ट पब्लिक शॉर्ट यहाँ पर LIC है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.59% जितनी देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड दे रहा है, मतलब पर शेयर हम कह सकते हैं कि 6 रुपया पर शेयर यहाँ पर मिल रहा है, 6 रुपया पर शेयर यहाँ पर मिल रहा है। और इंटरिम डिविडेंड है ये, इंटरिम डिविडेंड इसने पे किया है, बढ़िया डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये। अगर हम बात करें तो भैया आज ये शेयर में इतनी बड़ी तेजी थी, उसका वजह ये था कि देखो अभी क्या कर रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है ना, प्रमोटर्स वो अभी इंडिया बुल्स में बॉटम फिशिंग कर रहे हैं,
मतलब बहुत शहर बहुत ज्यादा टूट चुका है, 65% से भी ज्यादा टूट चुका है, तो प्रमोटर क्या करेगी, खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, शेयर ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एडवांस 9% ऑन वेडनेसडे आफ्टर प्रमोटर समीर गहलोत द लेफ्ट अप टू 24 लाख शेयर ऑफ द कंपनी ऑन वेडनेसडे। तो देखिए 24 लाख शेयर इन्होंने खरीदे थे। अब देखिए गहलोत बॉट 24 लाख शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट 96 रुपीज के भाव से। गहलोत जो है, समीर गहलोत जो है, उसने 24 लाख शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से 96 रुपीज के भाव से, 24 लाख शेयर। इन टोटल द ग्रुप चेयरमैन अक्वायर मोर देन 80 लाख शेयर ऑफ द कंपनी इन मार्च व्हेन द शेयर प्राइस। तो देखिए अगर हम बात करें तो टोटल, अगर हम बात करें मार्च महीने में, तो ग्रुप चेयरमैन जो है उन्होंने 80 लाख शेयर खरीदे हैं, 80 लाख शेयर खरीदे हैं इस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर में, इस ड्यूरिंग दिस मार्च क्वार्टर में, और 65% की गिरावट देखने को मिल चुकी है यहाँ पर। हालांकि अगर हम बात करने जाए तो अभी मूडीज ने जो है वो इनकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड जरूर किया है और नेगेटिव आउटलुक में डाल दिया है, और ये कहा है कि भैया आने वाले दिनों में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को फंड रेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ इट डाउनग्रेडेड द कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग एंड फॉरेन करेंसी सीनियर सिक्योर रेटिंग ऑफ द कंपनी। तो देखिए बहुत सारी चीजें डाउनग्रेड यहाँ पर की है। द रेटिंग एजेंसी एक्सपर्ट द कंपनी असेस क्वालिटी एंड कंटिन्यू टू वीकर। तो देखिए रेटिंग एजेंसी का ये कहना है कि कंपनी की जो असेट्स क्वालिटी है ना, वो ऑलरेडी वीक तो है ही, लेकिन और भी आने वाले दिनों में जो वीक उनका पार्ट है वो चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो अच्छा खासा बाहर निकल आएंगे, जी नहीं, उनकी वीक असेट्स क्वालिटी आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। द डाउनग्रेड एंड नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट अवर एक्सपेक्टेशन दैट इंडिया बुल्स एक्सेस टू द फंडिंग विल रिमेन चैलेंजिंग फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो मूडीज ने ये कहा है कि वो डाउनग्रेड करना और नेगेटिव में डालने का सीधा सीधा हमारा ये ही रीजन है कि हमको लगता है कि आने वाले दिनों में फंड रेजिंग करना इनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होगा, तो इसीलिए इनको डाउनग्रेड किया गया है। और अगर हम बात करें इंडिया बुल्स की, अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी उनकी कुछ खास अच्छी नहीं है। पी आप देखिए बहुत कम पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वाकई में ये काफी अट्रैक्टिव है, डेफिनेटली काफी लोगों को ललचा रहा होगा। ये 1.83 का पी है, जो कि इंडस्ट्री पी 16.79 है। आप देखिए 403 की बुक वैल्यू है, 0.25 प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.25 है यहाँ पर। 54 के आसपास का ईपीएस है, डिलीवरी 23 के करीब की देखने को मिल रही है। 65% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 30% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि भैया इनके ऊपर कर्जा कितना है, तो डेफिनेटली 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा इनके ऊपर पड़ा है, कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, लेकिन कंपनी जो है वो पैसा कमा रही है, कंपनी पैसा कमा रही तो है, तो इतना कर्जा हम निगलेक्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जनरली जो भी अगर हम बात करने जाए तो जो फाइनेंस कंपनी रहती है उनके ऊपर इतना कर्जा जनरली देखने को मिलता ही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भैया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में करना क्या चाहिए, बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि देखो अगर आपका लॉस काफी बड़ा है कुछ, क्योंकि आप देखिए शेयर 1400 रुपये से गिरता हुआ नीचे आया, ठीक है, और बहुत दूर की भी बात नहीं है, ये 2018 की बात है, ये 1400 रुपये से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, और मान लीजिए कि आप बहुत बड़े लॉस में हैं, ठीक है, आपकी बाइंग 500 रुपये की है, 600 रुपये की है, आपकी बाइंग 300 रुपये की है, आपकी बाइंग 250 रुपये की है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया तब तो आपको इसको होल्ड करना ही पड़ेगा। जरूर ये शेयर लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेगा, लॉन्ग टर्म में ये शेयर रिकवर कर लेगा, लेकिन इतना ज्यादा रिकवर नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये शेयर वापस से 400-500 पर ट्रेड करने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा 200 रुपीज तक जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, जा सकता है अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी रही तो, ठीक है, अगर 200 तक नहीं जा सकता, अगर मार्केट में और ज्यादा खराब हालत रही तो 200 भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर अच्छे केस में अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर रही तो जरूर ये जा भी सकता है। तो
तो मैं ये कहूंगा कि आप होल्ड करके रखें, लेकिन फ्रेश बाइंग ना करें अभी इसमें, ठीक है? अभी इसमें फ्रेश बाइंग ना करें। प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं, मैं मानता हूँ कि प्रमोटर शेयर खरीद रहे हैं, ये डेफिनेटली किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होती है कि जो प्रमोटर्स हैं वो काफी यहाँ पर भरोसेमंद है कि शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी जल्दबाजी ना करें इसमें, क्योंकि शेयर अभी भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत संभल रहा है। डेफिनेटली पिछले 1 महीने की अगर हम बात करेंगे तो शेयर देखिए थोड़ा सा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, काफी संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 19 तारीख को ये 90 रुपए के ऊपर था, आज 1 तारीख हो चुकी है, तकरीबन 11-12 दिन हो चुके हैं, शेयर डेफिनेटली काफी ज्यादा संभलने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन ऐसी कोई रैली भी यहाँ पर नहीं आई है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी न करें खरीदारी करने के लिए, वेट करेंगे तो बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।